आज यहाँ इतनी अच्छी गैदरिंग में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आज आप इस यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण है यहाँ इकट्ठा होने का? कारण ये है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं और ख़ासतौर से अभी जो हमारे पे रिविजन जो नॉर्मली सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ है, उसके थ्रू इन्होंने क्लियर कट एक यहाँ पे क्लॉज डाल दिया है कि जो भी एडिशनल एक्सपेंस होगा इसके पे रिवाइज करने के मामले में, उसका 30% ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, खुद जनरेट करेंगे। तो अभी हम लोग 95% हमको फ़ंड मिलता है और उसकी वजह से टीचर्स को हम तनख्वाह दे पाते हैं, स्टूडेंट से हम वो नहीं वसूल करते हैं, स्टूडेंट से दूसरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लिया जाता है, इसलिए अभी तक अफोर्डेबल है, थोड़ा बहुत रीज़नेबल है और आम स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये 30% कट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के पास कोई ज़रिया नहीं कमर्शलाइजेशन का, सीधा एक ये वो है कि आप स्टूडेंट्स की फ़ीस को लाखों में करके स्टूडेंट से वसूल करो और तब जितने टीचर्स आप रख सकते हो रखो, तो इसके ऊपर हमारे सबके ऊपर ये इसका असर पड़ेगा, हमारी तनख्वाहों पे, हमारी नंबर ऑफ पोस्ट पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्टूडेंट्स की फ़ीस पे। इसलिए अभी एकदम मतलब इसको बिल्कुल प्रेसिपिस पे आ गए हैं, इसलिए आज टीचर्स मजबूरी में सड़क पे निकल के आए हैं, तो मैडम हड़ताल करनी पड़ी। मैडम ये माना जाए कि जो 30% का जो रेशो है, आप लोग यूनिवर्सिटी से नहीं, आप लोग अपनी तनख्वाह में से नहीं देंगे, जो बच्चे एडमिशन लेंगे आप ये भार तो उन पर डलेगा? बिल्कुल, और जब भार उन पर डलेगा तो एजुकेशन में आएंगे नहीं वो लोग? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आप देखिए कि ये एकदम से पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे इन्होंने ये जो किया था उस टाइम पे, ओवरनाइट जब सरकार ने पैसा वापस किया कि हम नहीं देंगे, तो उसमें ओवरनाइट इनकी फीस बढ़ गई थी 5,000 से 1,00,000 हो गई जी, और तब सारे स्टूडेंट सड़क पे आए क्योंकि माँ बाप ने कहा मैं हम नहीं दे सकते पैसा इतना। जब सड़क पे आ गए, उनकी लाठी चार्ज किया, उनको उनके खिलाफ सेडिशन चार्ज लगा के उनको जेल में बंद कर दिया, फिर भी वो लड़ते रहे, तब जाके उन्होंने उसको फिर वापस किया। इसलिए सड़क पे उतरना पड़ता है अपने हक के लिए, ये असल में देश की जनता का हक है कि उसको अपने बच्चों को एजुकेशन उनके लिए हासिल हो अफोर्डेबल रेट्स पे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, और वो देंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब देश के अगर यंग इंडिया जिसको आप कहते हैं वो अगर इलिटरेट अनएजुकेटेड रहेगी है ना, तो उनका विकास हमारा विकास कैसे होगा, है ना? तो ये तो देश चाहता है कि बच्चे एजुकेट हों, ये नहीं कि आपकी मर्जी, आप एजुकेट होना चाहते हैं तो लाखों रुपया लाइए नहीं तो आपके लिए एजुकेशन नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। नंदिता नारायण, मैं आई एम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।